भी लाइफ में आपने देखा है किसने ऐसा सूटकेस रखा है, देखो सूटकेस के ऊपर साइड से देखो साइड से क्या बैलेंस है ऊपर का सूटकेस। क्या करेंगे, रूम शुरू होते ही खत्म हो जाती है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। गाइज हम लोग आ गए हैं सेंसोजी टेम्पल। ये इधर का बहुत फेमस टेम्पल है ना मिथिलेश? यस, सबसे फेमस है। बाहर से बहुत खूबसूरत है यार टेम्पल, और धूप भी मस्त है यार आज। ये देखो सन किस्ट, ओ माय गॉड दिस इज Rich. अभी हम लोग आए हम लोग का फॉर्चून देखने। ये सेट्स फॉलो करने के बाद हम लोग को समझेगा हम लोग का गुड फॉर्चून है या बैड फॉर्चून। जब से मैं तेरी जिंदगी में आया हूँ ना, तेरा फॉर्चून अच्छा ही है उर्मिला। ये ले 100 yen डालना है। 100 yen फिर अभी इसको ये कर, शेक कर अच्छे से, शेक कर, कर जोर से जरा। ओके ये स्टिक यार निकाल, अभी ये तुझे ढूंढना है मार्किंग, देख ले। मेरा फॉर्चून है, देखते क्या लिखा है। मेरा बैड फॉर्चून आया बट उसमें एक चीज अच्छी लिखी थी, मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट आर बोथ वेल। मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट, मैरिज अच्छी है। 100 yen डाल रहा है मिथिलेश अभी। कल कैमरे को दिखा, प्लस ही आया है क्या? हाँ, बेस्ट फॉर्चून, बेस्ट फॉर्चून। तो मतलब मेरा बैड फॉर्चून है बेसिकली और मिथिलेश का गुड फॉर्चून है। इट्स फाइन, बैड फॉर्चून के लिए ऐसा ट्राई करने के लिए लिखा है, छोड़ के जा तेरा बैड फॉर्चून यहाँ पे। बाय माय बैड फॉर्चून। हम लोग टेम्पल में जाके हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है टेम्पल। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं बिकॉज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अदर देन प्रिंगल्स एंड दी मार्गर। उसके बाद मैंने ट्राई किया जापान का फेमस डेजर्ट मोची। हमारे इधर मोची मतलब चप्पल ये करता है ना रिपेयर, उसको ही मोची बोलते हैं ना। सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, चॉकलेट मोची है। तू चॉकलेट का सब कुछ खाते है, चॉकलेट का इंसान भी खाएगी तू एकदम। सॉफ्ट एकदम, क्या है टेक्सचर इसका, टूटी नहीं है, रबरी है। चॉकलेट के बेसिकली, चॉकलेट का मोदक है वैसा कुछ था। इवनिंग में हम लोग शिंजुकु गए और उधर जाने के टाइम मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं एक सबवे स्टेशन पे आधे घंटे के लिए सो गई। मैं शिंजुकु उतरी और उधर जाके मैंने 100-150 पिकाचू देखे रास्ते पे। सब लोगों ने पिकाचू का आउटफिट डाला है। इधर एक्चुअली बिजली का प्रॉब्लम है ना, इतने सारे लाइट्स लगाते हैं तो पिकाचू इधर बिजली रहते सबको। हाँ, सब लोग इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा शिंजुकु घूमने के बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं रूम पे जाके सो गई। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हमेशा सोचती हूँ नीचे जाके गुड मॉर्निंग मस्त टोक्यो का ऐसा स्ट्रीट पे करूंगी, बट मिथिलेश कभी भी जल्दी नहीं निकलता है, हमेशा लेट करता है। कब से मैं एक घंटे से ऐसी ही बैठी हूँ और ये देखो और मुझे पूछा है लेट हो गया क्या। आज मैं जा रही हूँ एक स्कूल देखने को। हमने ऑन द वे खाना खाया और फिर उसके बाद हम लोग गए स्कूल देखने। गाइस ये तो वही स्कूल है जहाँ पे नोबिता डोरेमोन शिज़ुका सब आते हैं। उर्मिला ये रियल लाइफ में भी स्कूल है क्या? अरे स्कूल ही है ये, मैंने मैप पे चेक किया। ये हम लोग नोबिता की स्कूल, लिटरली नोबिता की स्कूल है। क्या मस्त लग रहा है ना, टीवी पे जो देखते थे अभी रियल लाइफ में कर रहे हैं। मेरे को भी थोड़ा ऐसा भर के आ रहा है, चाइल्डहुड फिर पूरा डोरेमोन है यार। हमारा शूट खत्म होने के बाद हमें बहुत सारे क्यूट क्यूट फैंस मिले। सब बैठ गए अभी इधर, सबको ऑटोग्राफ चाहिए, सबने अपने अपने नोटबुक्स निकाले। तुमचे टीचर मला बाहेर काढते राहू, तुमचे टीचर सेम मित्र नोबिताचे टीचर सारखे असे असे केस आहे। तुला तर नोबिता सारखे नाही, सर टीचर इथे इंडिया सारखेच आहे। मराठी ऐकलं ना जपान मध्ये? हां, पॅटीज मिल गए मिथिलेश के, मस्त छोटा सा मीटअप हुआ, फोटोज निकले, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक बच्चा आ गया और उसके बाद इतने बच्चे आ गए, बहुत बहुत मजा आया। टोक्यो से थोड़ा दूर आया और इधर के घर देखो, टिपिकल जापानीज हाउसेस है और कितनी शांतता है। ट्रीज के कलर्स कितने डिफरेंट है, बहुत कलरफुल लग रहा है। और अभी थोड़े टाइम में सनसेट होने वाला है। पक्का थोड़े टाइम में हमें यहाँ से निकलना है, तू चल ना मेरा काम कर दे। तू क्या व्लॉग कर रहे फालतू व्लॉग्स? गाइस ये देखो अपने इंडिया की तरह बाहर कपड़े सुखाने डालते हैं, देखो बाहर सुखाने कपड़े डाल दिए। हेलो टू मिथिलेश इन द फ्रेम, जापान के स्ट्रीट में बना चाहिए। ये चल लिया चल इधर से, अभी चल इधर से चल। हाँ हाँ चल, पागल लग रही हूँ मैं, निकाल देंगे जापान का वीजा कैंसिल। मेरा वीडियो का व्लॉग आता है तभी इसको नाटकी करना होता है। चल ना तेरे को शॉपिंग करने जाना है ना, तेरे को शॉप में जाने का जहाँ पे एक येन को चीजें मिलती है। आई डोंट नो एक येन को, बट इधर का डेजो करके फेमस शॉप है जिधर मुझे जाने का है। डेजो नहीं, डाइसो कहते हैं उसको। मेरा तो नूबड़ी है, तू नूबड़ी है, तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, तू यूट्यूब छोड़ दे। मेरे को लगता है यूट्यूब को तेरी जरूरत नहीं है। ये देखो सुनियो के पापा का गैरेज है यहाँ पे, ये सब गाड़ियाँ सुनियो की है और बोला सच्ची। ये देखिए सुनियो की लाल गाड़ी जो वो हवाई लेके जाता है, सुनियो बहुत हवा में उड़ता है। सुनियो का मुँह कैसा बोल मिला यार, जिंदगी सवार तू बहार दू, दुनिया ही बदल दू मैं।
तो प्यारा सा चमत्कार तू, मैं किसी का सपना हूँ। कितना इसका आवाज जियान जैसा है। ऐसे चिंदी शॉप पे आके रिएक्शन देखना कैसे मुंह किया है। क्या है इस शॉप में इतना उर्मिला की तेरे को इतना खुशी होता है। जल्दी आओ उर्मिला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आधा घंटा तेरे पास। मुझे कुछ भी 30 मिनट्स मिले नहीं। मिथिलेश का टॉय शॉप 8 PM को क्लोज हो रहा था, इसके लिए वो रोने लग गया कि चल चल हम दूसरी जगह जाते हैं, उधर तू शॉपिंग कर और मैं मेरे खिलौने देखता हूँ। आज टोक्यो में हम लोग का लास्ट दिन है, अभी हम लोग जा रहे हैं क्योटो और मैं लास्ट दिन में करने वाली हूँ क्योटो। एंट्रेंस यहाँ से हम जाएंगे अंदर और बेडरूम आ गया। रूम चालू होते ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा रूम है। ये देखो इतने से रूम में हम रहे हैं। मैं अकेला बेड पे फिट हो गया, उर्मिला बेचारी फ्रिज के अंदर सो रही थी फुल टाइम। इधर हम लोग भी सूटकेसेस रखे थे पर अभी मिथिलेश के खिलौने के बस से है। डेस्क दिया है, ये यूज क्लासेस। अरे वो सब दिखाने की जरूरत है? ये है टीवी और ये बाथरूम। इस सो लैविश, ये एक ही चीज मुझे पसंद आई है, बाथटब, शॉवर एरिया और एडवांस जापान का टॉयलेट। ये देखो ये बटन दबाने का फ्लश होता है। आपको जेट स्प्रे चाहिए? जेट स्प्रे का एंगल भी है, इधर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ये देखो अभी स्प्रे आएगा। मेरी गलती नहीं है। नाइस मिरर। अभी निकलते हम लोग क्योटो के लिए। हम लोग क्योटो नहीं जा रहे, ओशिनो हाकाए जा रहे हैं। सो हुआ ऐसे कि हम लोग जाने वाले थे बस से, बट बस फुल थी और दूसरी बस थी वो 2:15 की थी और हम लोग का चेक इन 3 बजे का था, तो इसके लिए अभी हम ट्रेन से जा रहे हैं। सूटकेस हमने फाइनली ऊपर रख दी है और ये मिथिलेश के ऊपर गिर सकती है। भाई अर्धी आधी सूटकेस नहीं बाहर आ गई है, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। पहले उधर रखी थी तो एक फॉरेनर आके कच कच करने लगा, मैं तो बोलता उसके सर पे गिरना चाहिए। ये ट्रेन हमें ओत्सुकी स्टेशन लेके जाएगी। ओत्सुकी स्टेशन से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी टू रीच माउंट फुजी स्टेशन। और ये रहा माउंट फुजी जिधर हम नहीं कौन जा रहे हैं। मैं कि माउंट फुजी ऊंचा है? तू ऊंचा है ना? डेफिनेटली। तो इतना मेहनत करने के बाद हम माउंट फुजी स्टेशन पहुंच गए हैं। माउंट फुजी से हमने की बस टू रीच ओशिनोहाकाए। हम लोग अभी बस से उतर गए हैं। ये जगह बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा। इधर सब ऐसा ग्रीनरी ग्रीनरी, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं। हमारे इंडिया में आके गांव में जाते हो वैसा फीलिंग है इधर जापान का। हम घर पर आ गए, ये हमारा घर जिधर आज हम रहने वाले हैं। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। इधर के लोग इतने अच्छे है कि आने के बाद उन लोगों ने हमें स्नैक्स दिया। स्नैक्स करने के बाद हम लोग ने शूट किया एंड देन हम लोग गए खाना लाने। हम एक रात रहने वाले और हम लोग ने इतना खाना लिया है, मुझे पता नहीं एक रात में क्या क्या खाना बनाने वाले हैं। ट्रेडिशनल घर में है हम लोग जापनीज। यहाँ पे आजू बाजू कुछ भी नहीं है खाने को, विलेज एरिया पूरा। तो उर्मिला पास्ता बना रही है, व्हाइट पास्ता, देखते हैं। पर पास्ता के लिए नूडल्स लाए हमने क्योंकि यहाँ पे पास्ता मिला ही नहीं। नूडल्स ठीक ठाक बने थे, टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था। इन दैट मिथिलेश ने और मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया। एक चीज बताना चाहती हूँ, मेरे घर पे मैं नादी पे ही ऐसा बेड डाल के सोती थी। मुझे लगता था कि यार सब लोग बेड पे सोते हैं, मैं नादी पे ऐसा बेड डाल के सो रहे हैं। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये जापानीज लोगों का ट्रेडिशन है नीचे सोने का। यस, इसको फुटोन बोलते हैं। बाय द वे गाइस, अपने इधर क्या बोलते हैं इसको? अंतरुण बोलते हैं। इट्स हाउस टूर टाइम। जैसे हम हमारे इधर चप्पल घर के बाहर निकालते हैं, जापान में भी सेम चप्पल घर के बाहर निकाली जाती है। ये है एक लिविंग रूम, जापानी स्टाइल ऑफ कोर्स। मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ कि ये दरवाजे जो होते हैं इस पे पेपर लगा है लिटरली, लाइक इसके इजीली फट सकता है। ये सिंपल लाइक्स है बहुत, इनको ऐसे खींचने का फिर ये चालू बंद होते हैं। ये है ट्रेडिशनल जापानीज टेबल, इसके अंदर भी एक हीटर लगाया है। ये जापानीज टेबल पे लोग ऐसे ये लेते हैं ये रखने का, यहाँ पे ऐसे बैठते हैं सामने बैठते हैं ये लोग। ट्रेडिशनल जापानी स्टाइल में बेड पे नहीं सोते, फुटोन होता है। तो बेसिकली अपने इधर की गद्दी और अपने इधर जैसे चटाई होती है वैसे यहाँ पे भी चटाई जैसे है, इसको तातामी फ्लोरिंग बोलते हैं। ये देखो ये भी सब ट्रेडिशनल चीजें रखी है शायद यहाँ पे। इनका बाथटब देखो कितना मस्त है। एंड ये नॉर्मल बाथटब जैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल बाथटब जैसा है लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप है, फुल अंदर तक जाता है। लाइक लिटरली मैं कल गया था, मैं पूरा फिट हो गया। इतना बड़ा बेसिन है इस घर में। वुमेन्स टॉयलेट है, मेंस टॉयलेट है। मेंस टॉयलेट में भी यहाँ पे एक ऑटोमेटिक टॉयलेट है एंड अगर ये यूज नहीं करना है ये भी है यार। घर में सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। चल अभी ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ। अभी टाइम स्टेयर्स पे दौड़ के जाता था, वैसे ही स्टेयर्स है यहाँ पे।
पूरे घर में ऑलमोस्ट 17-18-20 लोग रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों ही थे सेम रूम वापस। यहाँ पे भी सेम। आजा जल्दी जल्दी आजा, इसके अंदर देखना है तुम लोग को कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑफ कोर्स वो साइड दूसरे रूम है। यहाँ पे एक टेबल, यहाँ पे दूसरा टेबल एंड द ब्यूटीफुल माउंट फूजी हमारे सामने। सो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का। इस जगह का नाम है फुकुजुइन। कभी जापान आओगे तो प्लीज इधर ही आना, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतना ही था, तुझे कुछ बोलना? भीख मांगने सिवा और कुछ बोलना है? That's it for the video. Next Japan vlog is coming soon, जिसमें हम लोग जाएंगे क्योटो। Don't forget to like and subscribe. Till then, tada, bye bye. दो बार मेरा सिर यहाँ पे लगा, दो बार लिटरली अभी लगा। एंड उर्मिला को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उर्मिला तुझे मेरी काळजी नहीं है क्या?